मुकेश अग्निहोत्री द्वारा प्रदेश सरकार को बिना मंत्रियों की लंगड़ी सरकार कहने पर भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने पलटवार किया है। प्रवीण शर्मा ने मुकेश अग्निहोत्री को भाजपा की चिंता छोड़ अपना कुनबा संभालने की नसीहत दी है। प्रवीण शर्मा ने नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा लगातार जयराम सरकार पर दिए जा रहे बयानों को लेकर पलटवार किया है। प्रवीण शर्मा ने कहा कि भाजपा में क्या चल रहा है, क्या नहीं, इससे मुकेश अग्निहोत्री को क्या लेना देना है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा मुकेश अग्निहोत्री अपना कुनबा संभालें, क्योंकि रोज कांग्रेस में लंच डिनर डिप्लोमेसी चल रही है। प्रवीण ने कहा कि भाजपा में निर्णय सभी मिलकर लेते हैं और कांग्रेस के निर्णय सिर्फ एक ही परिवार के माँ और बेटा लेते हैं। सरकार कैसे काम करे, इसे मुकेश जी को क्या लेना देना है। उनको चाहिए अपनी पार्टी संभालें। उनकी पार्टी में जो छीछा लेदर हो रही है, कोई लंच कर रहा है, कोई डिनर कर रहा है, कोई बोल रहा है अध्यक्ष को हटाओ, कोई बोलता है ये नहीं चाहिए, कोई बोलता है वो नहीं चाहिए, उनको अपना घर देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने मसलों को हल करने में पूरी तरह से सक्षम है और हमें पता है, हमारे मुख्यमंत्री को पता है, हमारे नेतृत्व को पता है भी किस समय क्या करना है। उसके लिए हमें मुकेश जी की कोई राय की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व की जंग चली हुई है और जो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं, हमारे यहाँ तो पूरे का पूरा निर्णायक मंडल है, पूरी व्यवस्थाएं हैं। और मुकेश जी जिस पार्टी की बात कर रहे हैं, वो तो एक माँ बेटे के सहारे चली हुई पार्टी है। जब तक माँ बेटे की परमिशन नहीं होती तो वो कुछ भी नहीं करते, और अगर वो ऐसी बात करें तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला है। ऐसा है कि पार्टियों की और सरकारों की प्राथमिकताएं होती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता जो एक महामारी देश और पूरे दुनिया में फैली हुई है, उससे लड़ना हमारी प्राथमिकता है। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की जो हरकतें थी, उनका जवाब देना, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। और अब ये प्राथमिकताओं के हिसाब से चीज़ें तय होती हैं, ये भी हमारी प्राथमिकताओं में है और राष्ट्रीय हाई कमांड इस पर जल्दी ही फैसला करेगी। सर, काफ़ी वरिष्ठ नेता आप हैं और इस रेस में आपका भी नाम है, अगर पार्टी आपको जिम्मेवारी सौंपती है अध्यक्ष पद की, तो उसको निभाने के लिए क्या पूरी तरह से तैयार है? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता किसी पद की दौड़ में नहीं होता है। हमारे यहाँ पद लॉबिंग से नहीं दिए जाते, पार्टी हाईकमांड मेरिट पर ये चीज़ें डिसाइड करती है और जिसको भी पार्टी मेरिट पर डिसाइड करेगी, वो अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी संभालेगा।